बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं शाही दाल। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, एक कैरी ली है उसको स्लाइस में कट कर ली है, अदरक का टुकड़ा लिया है उसको स्लाइस में कट कर लिया है, 5 से 6 ग्रीन चिल्ली ली है, 1/2 kg से थोड़ी सी कम दाल है। उसके अंदर हमने अपने इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं पुदीना, ग्रीन चिल्ली और बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसमें हम 1 स्पून जो है वो सॉल्ट शामिल कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून ग्रीन, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें शामिल किया है और हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए रख दिया है। हम इसमें कैरी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है जी। हमारी दाल पक चुकी है, अब इसके अंदर हम 1 कप वाटर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमारी कैरी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। कैरी डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम अपनी दाल को जो है वो पकने देंगे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, अब हम इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जी, हमारी दाल का फाइनल लुक है। ये दाल बग़ैर भंगार के है। इस आप ये गैस चली गई थी इस वजह से मैंने भंगार नहीं दिया, लेकिन आप इसमें लाजमी भंगार दिएगा। भंगार देने के लिए ज़ीरा, लाल मिर्चें और लहसुन जो हैं वो लाजमी शामिल कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।